सानिया मिर्जा ने कहा, टेनिस मेरी जिंदगी है, बताया कब करेंगी कोर्ट पर वापसी। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा बेटे के जन्म के बाद अब कोर्ट पर फिर से वापसी की तैयारी में जुट गई हैं। वह इस साल के अंत तक टेनिस कोर्ट पर वापसी करने की योजना बना रही हैं। 32 साल की इस टेनिस खिलाड़ी ने अपना अंतिम टूर्नामेंट अक्टूबर 2017 में चाइना ओपन खेला था, जिसमें उन्हें घुटने में चोट लगी थी और वे पिछले साल के शुरू में टूर्नामेंट में नहीं खेली थी। पिछले साल अक्टूबर में सानिया ने बेटे को जन्म दिया था और इस शीर्ष भारतीय खिलाड़ी ने कहा कि अब वे खेल में वापसी करना चाहती हैं और वे जल्द ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देंगी। सानिया मिर्जा ने अब इस बारे में खुद कहा है, वापसी की संभावना साल के अंत तक है। अगले 10 दिन में मेरा ट्रेनर आ रहा है। अब मैंने वजन कम कर लिया है, अब टेनिस के लिए विशेष ट्रेनिंग करूंगी। मैं अभी 32 साल की हूं और टेनिस खिलाड़ी के तौर पर मैं इतनी युवा नहीं हूं। लेकिन अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो मुझे पछतावा होगा। टेनिस मेरी जिंदगी है, इसने मुझे सब कुछ दिया है। अब भी मुझ में कुछ टेनिस बच्चा है। उन्होंने कहा कि वे जर्मनी की 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली महान खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ से प्रेरणा लेती हैं, जिन्होंने काफी कुछ शादी और बच्चे के जन्म के बाद ही हासिल किया। सानिया ने कहा, स्टेफी ग्राफ को देखकर अब भी मैं हैरान हो जाती हूँ। वह बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक महिला को सब कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन उन्होंने सब कुछ हासिल किया। मैं उनसे प्रेरणा लेती हूँ, वह महान खिलाड़ी हैं। उन्होंने शादी और बच्चे होने के बाद जिंदगी में काफी चीजें हासिल की। अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में बात करते हुए सानिया ने कहा कि जॉन मैकनरो उनके पसंदीदा टेनिस खिलाड़ी हैं।